मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम अभ्यास करने वाले हैं रस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का। रस को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, इससे संबंधित बहुत सारे वीडियो चैनल पर आप देख सकते हैं, तो आप अच्छे से जानते हैं रस किसे कहते हैं। किसी भी काव्य या साहित्य को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, देखने के बाद जो पाठक होते हैं, श्रोता होते हैं या दर्शक होते हैं, तो वो आनंद की अनुभूति करते हैं। जो आनंद की अनुभूति होती है उसी को हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। रस को साहित्य अथवा काव्य की आत्मा भी कहा जाता है, क्योंकि जब तक किसी साहित्य में, किसी काव्य में आनंद की अनुभूति नहीं होती तब तक वो अधूरा माना जाता है। रस के मुख्य रूप से आप अच्छे से जानते हैं चार अंग होते हैं। स्थायी भाव, स्थायी भाव किसी भी काव्य में शुरू से लेकर आखिर तक मौजूद होता है, स्थायी रूप से ये भाव होता है। विभाव, विभाव होते हैं आप अच्छे से जानते हैं, अनुभाव भी होते हैं और व्यभिचारी या संचारी भाव भी होते हैं। इन सभी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप वीडियो के रूप में चैनल पर देख सकते हैं। रस की संख्या मुख्य रूप से नौ होती है, नौ ही रस माने जाते हैं। लेकिन जो हमारे रस हैं उसमें श्रृंगार रस को आगे तीन भागों में बांट देने की वजह से अब कुल रसों की संख्या कितनी हो गई है, 11 हो गई है। लेकिन फिर भी मुख्य रूप से नौ ही रस माने जाते हैं। नवरस हम इन्हें कहते हैं, लेकिन फिर भी नवरस कहा जाता है, नौ रस ही कहे जाते हैं। हालांकि अब इनकी संख्या 11 हो गई है, तो यहाँ पर आप सभी के नाम देख सकते हैं। श्रृंगार रस, जो श्रृंगार रस है वो यहाँ पर टाइपिंग की वजह से ऐसे लिखा गया है, आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। श्रृंगार रस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रस है, और श्रृंगार रस को ही आगे चलकर हमने तीन भागों में बांटा था। एक तो श्रृंगार रस हो जाता है, एक भक्ति रस हो जाता है, और इसी से हमारा वात्सल्य रस बन जाता है। तो पहले नौ संख्या थी और नौ में दो और जुड़ गए हैं, तो अब हमारे कितने हो गए हैं, 11 रस हो गए हैं। हर एक रस में कोई ना कोई स्थायी भाव होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 रसों के नाम आपको देखने को मिल रहे हैं और साथ में सबके हमारे स्थायी भाव। श्रृंगार रस में स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। रति का अर्थ क्या होता है, प्रेम। तो श्रृंगार रस कहाँ पर होता है, जब प्रेमी प्रेमिका या नायक नायिका के बीच में जो प्रेम होता है, जो रति होती है, उसके भाव जहाँ पर उत्पन्न होते हैं, तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस भी आगे चलकर दो भागों में बट जाता है। एक तो हमारा वियोग श्रृंगार रस होता है, जब नायक नायिका वियोग की स्थिति में होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, तो अलग होने के भाव में जो उनके मन में रति होती है, प्रेम होता है, वो वियोग श्रृंगार रस में आता है। और एक हमारा संयोग श्रृंगार रस होता है, जब नायक और नायिका एक साथ होते हैं और एक साथ होते समय उनके मन में जो प्रेम उत्पन्न होता है, वो क्या होता है, संयोग श्रृंगार रस। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। जहां पर उत्साह के भाव होते हैं वहां पर वीर रस की उत्पत्ति होती है। करुण रस, जहां पर दुख के भाव होते हैं, मन में शोक के भाव होते हैं, वहां पर करुण रस होता है। हास्य रस, जहाँ पर हास होता है, हंसी होती है, वहाँ पर हास्य रस होता है। और रौद्र रस, यहाँ पर टाइपिंग एरर थोड़ी थोड़ी आप देख सकते हैं, रौद्र रस, रौद्र में औ की मात्रा आती है, ऐसे लिखा जाएगा। रौद्र रस यानी कि जहाँ पर क्रोध के भाव होते हैं वहाँ पर हमारा रौद्र रस होता है। आगे बढ़ जाते हैं, भयानक रस, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पर भय या डर होता है हमारे मन में, तो वहाँ पर भयानक रस की उत्पत्ति होती है। विभत्स रस, ये थोड़ा सा नया सा शब्द आप कह सकते हैं, लेकिन विभत्स क्या होता है, जब हमारे मन में घृणा या जुगुप्सा, जुगुप्सा एक शब्द है जिसका अर्थ घृणा ही होता है, हमारे मन में किसी ऐसी स्थिति को देखने के बाद, किसी ऐसे चित्र को, दृश्य को देखने के बाद मन में घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं, मन में अजीब से भाव उत्पन्न होते हैं जो हमें अच्छा महसूस नहीं कराते हैं, हमें अजीब सी ग्लानि के भाव उत्पन्न होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, विभत्स रस होता है। ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, क्योंकि विभत्स कैसे लिखा है आपको ध्यान देना है, और जुगुप्सा भी आपके लिए नया शब्द हो सकता है। जुगुप्सा घृणा के भाव को ही हम कहते हैं। अद्भुत रस, अद्भुत जहां पर हैरानी होती है, विस्मय होता है। शांत रस, जहां पर वैराग्य या निर्वेद, ये भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, क्योंकि निर्वेद जो शब्द है वो थोड़ा सा अलग है। निर्वेद क्या होता है, जब हमारा मन सांसारिक मोह माया से विरक्त हो जाता है, वैराग्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, मन शांत हो जाता है, तो वहां पर क्या होता है, शांत रस। भक्ति, भक्ति यानी कि हमारे मन में रति तो होती है, प्रेम तो होता है, लेकिन ईश्वर के प्रति होता है। जब हमारा प्रेम ईश्वर के प्रति होता है तो वो भक्ति रस बन जाता है। प्रेमी प्रेमिका के बीच में प्रेम होता है तो वो श्रृंगार रस कहलाता है। और माता पिता या किसी बड़े व्यक्ति का बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है उसको हम क्या कहते हैं, वात्सल्य रस। इसीलिए जो हमारे ये तीन रस हैं,
भक्ति रस, वात्सल्य रस और श्रृंगार रस, ये पहले एक ही थे, श्रृंगार रस के अंतर्गत इनको माना जाता था, लेकिन बाद में इनको तीन अलग अलग बना दिया है, तो 9 से हमारे 11 रस इस तरीके से बन जाते हैं। तो नवरस ही कहा जाता है, रस हमारे मुख्य रूप से 9 ही हैं और स्थाई भाव हमारे मुख्य रूप से कितने हैं, 9 ही हैं, क्योंकि ये जो हमारा यहाँ पर भगवत रति लिखा है, बाल रति लिखा है, ये रति ही होता है, प्रेम का भाव ही होता है। तो जो हमारे स्थाई भाव है अगर परीक्षा में पूछे जाएंगे तो कितने होते हैं, 9 होते हैं, और रस कितने होते हैं, 9 ही होते हैं, लेकिन 9 से 11 कैसे बने ये आपको समझ में आना चाहिए। आइए रस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, सभी बहुविकल्पीय हैं क्योंकि परीक्षा में बहुवैकल्पिक प्रश्न आने वाले हैं। एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, 4 उत्तर होंगे, सबसे सही उत्तर के साथ आपको जाना है। किस रस को रसों का राजा, रसों का राजा इसके लिए एक शब्द प्रयोग कर सकते हैं, रसराज, ये भी पूछा जा सकता है, रसराज कौन सा रस है, रसों का राजा किसे कहा जाता है, श्रृंगार रस को कहा जाता है, ख विकल्प सही है। वात्सल्य रस के प्रमुख कवि किसे माने जाते हैं, तो वात्सल्य रस में अधिकतर जो रचनाएं की हैं वो सूरदास जी ने की हैं। सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण और मैया यशोदा के ऊपर जो पद लिखे हैं उसमें वात्सल्य रस है, क्योंकि वात्सल्य रस में माता पिता और बड़ों का किसी बच्चे के प्रति जो स्नेह दिखाया जाता है उसको वात्सल्य रस के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये जो कवि हैं ये कौन है, सूरदास जी हैं। इनकी रचनाओं में मैया यशोदा और श्री कृष्ण का जो प्रेम है, वात्सल्य प्रेम, वो दिखाया गया है। प्रश्न संख्या 3, यहाँ पर आपको 2 पंक्तियां दी गई है, इनको ध्यान से पढ़िएगा, पढ़ने के बाद आपको पहचान करनी है यहाँ पर कौन सा रस है। चढ़ त्रंग शैल शिखरों पर सोम पियोरे, योगियों नहीं विजयी सैदृश जियोरे। तो यहाँ पर विजयी सैदृश जियोरे यानी कि वीर रस, उत्साह के भाव यहाँ पर हमारे मन में महसूस हो रहे हैं। इनको पढ़ने के बाद उत्साह के भाव हमारे मन में उत्पन्न हो रहे हैं, और जहाँ पर उत्साह का स्थायी भाव होता है वहाँ पर क्या होता है, वीर रस। तो यहाँ पर आपको कहीं से भी कोई भी पंक्ति दे दी जाएगी और वहाँ से आपको पहचान करनी है, तो आपको पंक्ति के अर्थ को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि अपठित पंक्तियाँ होंगी, कहीं से भी आ सकती हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर चढ़ तुंग शैल शिखरों पर सोम पियोरे, योगियों नहीं विजयी सैदृश जियोरे। विजयी सैदृश, विजयी के समान आपको जीना है, योगी के समान, साधु के समान नहीं जीना है। तो ये उत्साह के भाव हमारे मन में आते हैं, तो यहाँ पर कौन सा रस है, वीर रस आगे है। आगे भी आपको यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, ध्यान से आपको इनको पढ़ना है और रस की पहचान करनी है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर उठा। उस काल मारे क्रोध के, तो अगर पंक्ति का पूरा अर्थ भी आप नहीं समझते हैं तो कुछ संकेत बिंदु या कुछ शब्दों की सहायता से भी आप यहाँ पर रस की पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, और यहाँ पर उस काल मारे क्रोध के, क्रोध में यानी क्रोध के भाव यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर पूरी पंक्ति का अर्थ भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो भी आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्रोध के भाव कहाँ पर होते हैं, रौद्र रस में होते हैं। तो ख विकल्प क्या है, सही है। आगे है, यहाँ पर भी कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं क्योंकि इस तरीके के सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। कुछ पंक्तियाँ आपको काव्य की दी जाएगी और काव्य की ही पंक्तियाँ आएंगी, किसी पाठ से कोई पंक्ति नहीं दी जाएगी। परीक्षा में आपको कविता की ही पंक्तियाँ दी जाएंगी, क्योंकि जो रस होता है वो काव्य की आत्मा माना गया है, काव्य में ही रस की परिकल्पना की गई है, किसी भी कहानी या किसी भी पाठ से आपको पंक्तियाँ नहीं मिलेंगी। आगे हमारा प्रश्न संख्या 5 है, एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय। अजगर ही यानी अजगर को देखकर, और मृगराय यानी कि मृगराय कौन होता है, यहाँ पर सिंह होता है, शेर होता है। बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो कोई बटोही है, कोई राही है, और वो रास्ते में अजगर को देखता है एक तरफ, दूसरी तरफ शेर को देखता है, और मूर्छा खाकर यानी कि बेहोश होकर गिर जाता है। तो अगर आपके सामने एक तरफ अजगर है, दूसरी तरफ शेर है, तो आप डर के मारे बुरा हाल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, भयानक रस है, क्योंकि डर के भाव यहाँ पर हैं, तो भयानक रस है, ग विकल्प सही है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो जितने भी हमारे रस हैं और जितने भी स्थायी भाव हैं आपको अच्छे से याद कर लेने चाहिए, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, कम से कम एक या दो सवाल आपके रस और रस के स्थायी भावों से आपको देखने को मिल जाएंगे। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, पहले भी हमारा प्रश्न आया है, जब हमारे मन में उत्साह के भाव होते हैं तो वहाँ पर वीर रस की उत्पत्ति होती है, ख विकल्प सही है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है, तो ये जो है आपके रस और स्थायी भाव अगर आप याद कर लेते हो तो आप बड़ी आसानी से बिना विकल्प पढ़े भी सही विकल्प तक पहुंच सकते हो, क्योंकि इनको आपको याद ही रखना है। तो विभत्स की बात हमने की थी, तो जहां पर जुगुप्सा के भाव होते हैं, और ये बार बार पूछा जाता है क्योंकि शब्द थोड़ा सा अलग है,
जहाँ पर जुगुप्सा या घृणा के भाव होते हैं वहाँ पर हमारा विभत्स रस होता है, तो यहाँ पर घ विकल्प क्या है सही है। और ये बार बार पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। विभत्स रस यानी कि घृणा के भाव, और घृणा के लिए कौन सा शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया है, जुगुप्सा। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। संचारी भाव ऐसे भाव होते हैं जो बीच बीच में आते हैं और चले जाते हैं, इनको व्यभिचारी भाव भी हम कहते हैं। तो ये 33 होते हैं, आप इनको याद रख सकते हैं, इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। ये हमारे कुल कितने होते हैं, 33। इनके नाम नहीं पूछे जाते हैं, नाम बहुत ज़्यादा हैं, आपके 10th क्लास में नाम नहीं पूछे जाएंगे, बस इनकी संख्या आप याद कर लीजिएगा, 33 हमारे संचारी भाव होते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो जितने भी रस हैं और स्थायी भाव हैं उनके नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। शांत रस कहाँ पर होता है, जब हमारा मन निर्वेद की स्थिति में होता है, तो ये भी बार बार पूछा जाता है, थोड़ा सा अलग सा शब्द है। वैराग्य या निर्वेद की स्थिति में हमारे मन में क्या उत्पन्न होता है, शांत रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, और श्रृंगार रस को हम रसों का राजा भी कहते हैं। तो रति के भाव होते हैं, प्रेम के भाव होते हैं, ख विकल्प क्या है सही है। आगे आप देख सकते हैं, ये आपकी ही पाठ्यपुस्तक से पंक्तियां दे दी गई है, आप इसको पहले ही पढ़ चुके हैं, तो अगर पढ़ी हुई पंक्तियां आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा, अब जनी देउ दोसु मोहि लोगु, कटु बादी बालक बद जोगु। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ये हमारा है, और यहाँ पर परशुराम मुनि क्या हैं, बहुत ही क्रोधित हैं, क्रोध के भाव हैं, और जहाँ पर क्रोध के भाव होते हैं वहाँ पर हमारा कौन सा रस होता है, रौद्र रस। तो यहाँ पर जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ है, यहाँ पर जहाँ पर उत्साह के भाव आते हैं, वीरता दिखाने की बात आती है, तो वहाँ पर हमारा वीर रस होगा, और जहाँ पर क्रोध के भाव दिखाई देते हैं वहाँ पर हमारा रौद्र रस होगा। तो पूरे ही पाठ में ज़्यादातर किस रस का प्रयोग किया गया है, वीर रस और रौद्र रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो हास्य रस में हमें हंसी आती है, हास या हंसना भी आप कह सकते हैं, ग विकल्प सही है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, करुणा कब उत्पन्न होती है, जब हमारे मन में दुख होता है, शोक के भाव होते हैं, तो ग विकल्प सही है। आगे फिर से पंक्तियां दे दी गई है, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो यमराज से भी यहाँ पर युद्ध लड़ने की बात की जा रही है, मन में उत्साह है, और जहाँ पर उत्साह का भाव होता है वहाँ पर हमारा क्या होता है, वीर रस होता है। तो माना कि पंक्तियां आपने नहीं पढ़ी है, लेकिन एक दो बार पढ़ते हैं तो आपको अंदाजा लग जाता है किस तरह के भाव इन पंक्तियों में हो सकते हैं। आगे आपका फिर से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से यहां पर पंक्ति दे दी गई है, और ये तो आप अच्छे से कर सकते हैं। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ने संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो यहां पर रौद्र रस है, फिर से यहां पर परशुराम मुनि को क्रोध आया हुआ है, तो रौद्र रस है, यानी कि क्रोध के भाव है। आगे है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो ये तो आपने बहुत अच्छे से, मीरा जी का भजन है, बहुत ही अच्छा भजन है, आपने जरूर सुना होगा। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु करी कृपा अपनायो, तो मीरा जी के द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं, अगर आपने नहीं भी पढ़ी हैं आपने सुनी जरूर होंगी। इन पंक्तियों में मीरा श्री कृष्ण की भक्ति कर रही हैं, और मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम दिखा रही हैं, और ये भक्ति जो है वो भगवान विषयक भक्ति है, तो यहाँ पर कौन सा रस है, भक्ति रस है, भक्ति रस है, क्योंकि श्रृंगार रस में तीन तरह के प्रेम की बात की गई थी। प्रेम जब प्रेमी प्रेमिका के बीच में होता है तो श्रृंगार रस बन जाता है, जब ईश्वर और भक्त के बीच में होता है तो भक्ति रस कहलाता है, और माता पिता और बड़े व्यक्ति का बच्चे के प्रति जब प्रेम उत्पन्न होता है तो वो स्नेह भाव जो होता है वो वात्सल्य रस बन जाता है। तो यहाँ पर मीरा जी का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, तो ये क्या है, हमारा भक्ति रस। आगे फिर से पंक्तियां हैं, चलो इनको भी पढ़ लेते हैं। देखी यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन हित न सकी कोमल काया। हित नहीं, यहाँ पर हिल आना चाहिए, तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा अंदाजा आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। जब बालक श्री कृष्ण बचपन में मिट्टी खाते हैं और मिट्टी से उनका पूरा मुख सना हुआ होता है, इन पंक्तियों में आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। माता यशोदा श्री कृष्ण के मुख में जब देखती है, जब वो मिट्टी खा रही होते हैं, तो उनको पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो जाते हैं। ये लोक कथा आपने जरूर सुनी होगी, तो वहीं से यहाँ पर ये हमारा दोहा दिया गया है। और यहाँ पर माता यशोदा का किसके प्रति प्रेम दिखा है, यहाँ पर बालक के प्रति प्रेम दिखा है, तो ये माता यशोदा और श्री कृष्ण के बीच की बातें हैं, तो यहाँ पर कौन सा रस है, वात्सल्य रस। जहाँ पर मैया यशोदा और श्री कृष्ण की बातें आती हैं वहाँ पर ज़्यादातर कौन सा रस होता है, वात्सल्य रस। और सूरदास जी ने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है मैया यशोदा का और बाल श्री कृष्ण के अनेक रूपों का, तो इसीलिए सूरदास जी को हम वात्सल्य रस का कवि भी कहते हैं। इन पंक्तियों को आप अच्छे से जानते हैं, आपने जरूर सुना है, जरूर पढ़ा है, आपकी पाठ्य पुस्तक में भी ये पंक्तियाँ थी। कौन सी कक्षा में थी, 6ठी कक्षा में।
खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और जहाँ पर झांसी वाली रानी की बात की जाए और वीरता की बात ना हो, ये भला कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर उत्साह के भाव मन में भर जाते हैं पढ़ने के बाद इस पूरी कविता को। यहाँ पर कौन सा रस है? वीर रस है। हाथी जैसी देह है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो पढ़ने के बाद ही हंसी आ रही है, और जहाँ पर हंसी आए, जहाँ पर हास के भाव हो, वहाँ पर क्या होता है? हास्य रस होता है। तो ज़्यादा कुछ मुश्किल पंक्तियाँ भी नहीं है, आप वैसे ही पढ़ने के बाद आसानी से इनको समझ सकते हैं। आइए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 20। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। तो ये पंक्तियाँ भी आपने जरूर पढ़ी होगी, ये भी हमारा भजन है। और यहाँ पर ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना दिखाई गई है, रति की भावना दिखाई गई है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा रस है? भक्ति रस है। ग विकल्प क्या है? सही है। इन प्रश्नों को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परीक्षा में किस किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो आपको परिभाषा पूछी जा सकती है, रस किसे कहते हैं, रस के कितने अंग होते हैं, सभी अंगों के नाम पूछे जा सकते हैं, रस की संख्या कितनी होती है। उसके बाद इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किसी रस का नाम दे दिया जाएगा, स्थायी भाव पूछ लिया जाएगा, स्थायी भाव दे दिया जाएगा, रस का नाम पूछ लिया जाएगा। उसके बाद आपसे कुछ पंक्तियां दी जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ काव्य की पंक्तियां दी जाएंगी। और कविता की पंक्तियों में क्योंकि आपकी पढ़ी हुई भी हो सकती हैं और कोई अपठित भी आ सकती हैं, तो आपको उनको ध्यान से पढ़ना है और वहां पर रस की पहचान करनी है। तो इस तरीके से यहां पर क्या पूछे जा सकते हैं, आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बार बार आप अभ्यास करेंगे तो आप अच्छे से रस के टॉपिक को अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि अभ्यास करने से ही कोई भी टॉपिक हमारा पक्का हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको पसंद आए होंगे, साथ में समझ आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, बार बार अभ्यास करते रहिए, क्योंकि अभ्यास करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। मेहनत करने का कोई दूसरा विकल्प हमारे पास नहीं होता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।